देखिए, रामलला विराजमान हो चुके हैं अपनी नगरी अयोध्या में। क्या लगता है इस बार जो लोकसभा के चुनाव हैं, कितना असर पड़ने वाला है राम मंदिर के आने के बाद? प्रधानमंत्री ने काफ़ी मेहनत किया, उसके पीछे क्या लगता है आपको? देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की नवनिर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये 550 वर्ष के संघर्ष के बाद यह दिव्य अवसर आया है। पिछले 550 वर्ष से सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लाखों लोगों ने इस मंदिर की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इतने संघर्ष करे हैं हमारे साधु समाज ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कितने कष्ट भोगे हैं। ये सौभाग्य परम श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हुआ कि उन्होंने इस मंदिर की भव्य स्थापना कराई। लेकिन इस राम मंदिर का मायना सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ कोई मूर्ति नहीं है, ये राम मंदिर है क्या? भगवान राम भारत की आस्था है, भगवान राम भारत का आधार है, भगवान राम भारत का विचार है, भगवान राम भारत का विधान है, भगवान राम भारत की प्रतिष्ठा है, भगवान राम भारत का प्रताप है, भगवान राम प्रवाह है, भगवान राम प्रभाव है, भगवान राम नेति है, भगवान राम नीति है, भगवान राम निरंतरता है, भगवान राम निश्चिंतता है, भगवान राम विभू है, भगवान राम व्यापक है, भगवान राम विश्व है, भगवान राम विश्वात्मा है, भगवान राम देवात्मा है, भगवान राम परमात्मा है, भगवान राम भारत की आत्मा है, भगवान राम हमारे गौरव का प्रतिमान है, भगवान राम भारत की पहचान है, भगवान राम घट घट के भगवान है, भगवान राम हमारी पूजा है, हमारे अरमान है, भगवान राम हमारे अंतर मन के प्राण है। तो राम कोई बिल्डिंग नहीं है, राम कोई भवन नहीं है, राम सिर्फ कोई मूर्ति नहीं है। भारत के रोम रोम में भगवान राम विराजमान करते हैं। बिना राम के सनातन हिंदू भारत कुछ नहीं है। हमारे रोम रोम में, हमारे शरीर की कोशिका कोशिका में, सेल सेल में भगवान राम विराजमान करते हैं। तो ये सब समझ लें, हम राम के बिना कुछ नहीं हैं। और जो राम विरोधी हैं वो दुश्मन हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि तुम रावण भगवान राम के साथ जाओगे या रावण के साथ जाओगे, तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ जाओगे या कंस के साथ जाओगे, तुम अर्जुन के साथ जाओगे या दुर्योधन के साथ जाओगे, तुम्हें देखना है तुम देश के वफादारों के साथ जाओगे या गद्दारों के साथ जाओगे, ये देखना है तुम्हें। तो मेरे माताओं बहनों, ये मोदी जी और योगी जी कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, ये हिमालय के तपस्वी हैं। योगी जी साधु हैं, योगी जी का कोई परिवार नहीं है। वो अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा नहीं कर रहे, कोई बेईमानी नहीं कर रहे। जब से पिछले 40-50 वर्ष से इस भारत माता के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, इस महापुरुष ने कोई छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे इस भारत माँ के लिए पूरे झोंक रखे हैं। तो ऐसा महान तपस्वी कोई पूरे भारतीय राजनीति में अगर कोई दूसरा हो तो मुझे कोई बता दे, कोई भी विरोधी नेता अगर उनके सामने टिकता हो, चाहे राहुल हो, प्रियंका हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई उनके सामने अगर 1% भी टिकता हो तो कोई भी देश का व्यक्ति आ जाए तर्क कर ले, हम साक्षात उनके सामने तर्क से खड़े होने को तैयार हैं। आज भारत का जो गौरव इस महापुरुष ने बढ़ाया है, पूरी पृथ्वी आज भारत को सम्मान करती है। जब नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर जाते हैं तो जो लोग कभी उनका फोन नहीं उठाते थे, आज वो प्रधानमंत्री उनके गले में माला डालती हैं। वो माला नरेंद्र मोदी के गले में नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के गले में डलती है। पहले ये विदेशी कहा करते थे ये भारत देश पिछड़ा हुआ देश है, सांप सपेलों का देश है,
लेकिन आज सारे के सारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, अपने देश में आमंत्रित करना चाहते हैं। पिछले 10 वर्ष में 2014 से लेकर 24 तक जो भारत ने बहुआयामी विकास किया है, चारों तरफ एक्सप्रेस वे का जाल बिछा दिया है। आप याद करिए जो भगवान केदारनाथ तूफान में जिनको क्षति हो गई थी, और भगवान केदारनाथ का दिव्य मंदिर भगवाना है, भगवान काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बनाया है पूरे विश्व से उसमें लोग दर्शन करने आते हैं, किस प्रकार से उज्जैन में महाकाल का बंदर वो भगवान का दिव्य मंदिर बनाया है। तो एक तरफ विकास हो रहा है, स्वर्णिम विकास हो रहा है, भारत आज डिजिटल में नंबर वन हो गया है, 4 करोड़ से ज़्यादा भवन बना के दिए गए हैं, करोड़ों लोगों को शौचालय बना के दिए गए हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, आज 23 से ज़्यादा एम्स खुल गए हैं। कितना कितना गिनाओ, महीनों लग जाएंगे, कोई भी विरोधी पार्टी इनके सामने कुछ नहीं है, ये सब एक तरफ बब्बर शेर हैं, ये सब बकरियां हैं, एक तरफ देशभक्त हैं, ये सब गद्दार लोग हैं, एक तरफ शेर हैं और ये भेड़िए हैं। मैं भारत की जनता, भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक भी वोट चूक ना जाए, आपकी ये आहुति रह ना जाए, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी को सिंहासन बैठने के लिए नहीं कर रहे। बांसुरी बहन कोई लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने के लिए काम नहीं कर रही, ये भारत माँ को बचाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए मेरा पूरा क्षेत्र, पूरे देश के लोगों से, खास तौर से नई दिल्ली के देश के लोगों से कह रहा हूँ कि एक भी वोट पड़ ना जाए, चूक मत जाना, ये माँ भारती से गुनाह होगा, आपसे अधर्म होगा, ये पाप होगा, क्योंकि इस भारत माँ के प्रति हमारा बहुत कर्ज है। कहता है ना कि माँ का दूध पिया है प्यारे, कर्ज नहीं लौटाओगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आने वाले चुनाव में कमल के फूल पर बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाएं, और भारत की सभी समस्याओं का अंत है, भारत में राम राज की स्थापना होगी। जय श्री राम। सर, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे संसार में सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति प्रिय है जो मेरा रहस्य औरों को समझाता है। मेरा आपके न्यूज़ चैनल से निवेदन है कि आप ये जो रहस्य है भारतीय संस्कृति का, ये देश की जनता तक पहुँचाएँ, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका भी धर्म है, जो सत्य है, जो न्याय है, जो कल्याणकारी है, जो मानवतावादी है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने वाली है, भारत की सभी समस्याओं को समाप्त करने वाला जो विचारधारा है, जो लोग हैं, उनकी जो बात है, वो देश की जनता तक पहुंचाएं। मैं 10 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये बहुत ही प्रखर चैनल है और पूरे भारत में फैला हुआ है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि और आप आगे बढ़ें, राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम हो, क्योंकि आपकी संस्था को मैं वर्षों से जानता हूं, बहुत ईमानदारी से, बहुत ही वफादारी से और बहुत ही कर्मठता से आप इस देशभक्ति के कार्य को कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।